नमस्कार। बुखार एक ऐसी कंडीशन है जो सबने अपने जीवन में बहुत बार बियर किया होता है, और बुखार एक ऐसी कंडीशन है जिसको लेकर के मैक्सिमम टाइम कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में अगर इसको कहें तो ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, और ये केवल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है, ये इंडिकेशन भी है रिकवरी का। जब पेशेंट ठीक हो रहा है बुखार नीचे आना शुरू हो जाएगा। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है, एक साइन है कि बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या क्या कारण है बुखार होने के? बुखार सबसे अधिक हमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या जो रेयर इन्फेक्शंस हैं फंगल और कुछ और भी, ये कारण होते हैं। तो किन अंगों का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है? सबसे कॉमन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि नाक, गला, छाती, लंग्स का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आंतों का भी हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन है, एंट्राइटिस, गैस्ट्रो एंट्राइटिस, इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट का भी हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन जिसको UTI कह देते हैं। तो ब्लैडर ही नहीं, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्टेड हुआ है तो फीवर होने के चांसेस हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया पैरासाइट है, इसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। ऑटो इम्यून रिएक्शंस, उनसे भी बुखार होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE जैसी बीमारियां हैं, ये इन्फेक्शन नहीं होके भी बुखार दे रही है। एलर्जी में भी बुखार होता है, हालांकि एलर्जी से बुखार होना ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अगर एलर्जी वायलेंट है, बहुत तीव्र है, तो एलर्जी की वजह से भी बुखार हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे गाउट में भी बुखार हो सकता है, कैंसर होने पर भी बुखार हो सकता है, चोट लग जाए, इंजरी से जब टिश्यूज क्रश हो जाएंगे तब भी फीवर हो जाता है। थर्मल रिएक्शंस यानी कि हीट एक्सपोजर हो गया, लू लग गई, वो भी एक तरह की इंजरी है, उससे भी बुखार हो सकता है। बुखार होने के पैटर्न को समझकर, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके, बहुत बहुत बार आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराने से बच सकते हैं, और उसके पैटर्न को समझ के इलाज लेने पर आपको रोग के ठीक होने में कम समय लगेगा। बुखार अगर बहुत थोड़ा है, यानी कि माइल्ड फीवर तक है, तो बुखार की दवाई तुरंत ही होने पर नहीं ले लेना चाहिए। लेट इट कम आउट, दुश्मन को बाहर आने दो, अपना रंग रूप दिखाने दो, क्योंकि अगर बुखार सच में ही कुछ ज्यादा होने वाला है, ज्यादा समय रहने वाला है, तो उसके लक्षण खास होंगे। हल्का सा कोल्ड एक्सपोजर, हल्का सा हीट एक्सपोजर, हल्का सा खाने पीने की गड़बड़ी, इनसे जो बुखार हुआ है वो बुखार बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। यूं तो तेज बुखार भी डिफेंस मैकेनिज्म का ही हिस्सा है, तो डिफेंस मैकेनिज्म को काम में आने दो। अगर बॉडी उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है इन्फेक्शन को या किसी भी कंडीशन को, तब ऑफकोर्स बॉडी की हेल्प की जानी चाहिए, लेकिन हल्के बुखार में दवाई दे करके लक्षणों को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि शुरुआती कंडीशन को अच्छे से मॉनिटर करके उसका बाकायदा चार्ट मेंटेन करो, लक्षण नोट करो कि सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, दस्त है, उल्टी है, पेट में दर्द है, क्या क्या हो रहा है बुखार होने के साथ, बुखार होने से पहले, बुखार होने के बाद, क्या वो बुखार अपने आप से ठीक हो रहा है, बुखार के साथ में पसीना आ रहा है, बुखार के साथ में उल्टी आ रही है,
बुखार के साथ में किन अंगों में पेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उनको बाहर आने दो। और अगर इनिशियल कुछ घंटे या दिन बुखार रहता है तो उसका एक सेट पैटर्न बन जाएगा और वो पैटर्न डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बुखार के इनिशियल पैटर्न को अच्छे से समझ के, अच्छे से उसको टेबुलेटेड करके, नोट डाउन करके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस में बहुत बड़ी मदद होती है। बहुत सारे विकसित देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, बुखार को तुरंत ही दवाइयों से दबाया नहीं जाता, केवल बुखार को नहीं उतारा जाता, बुखार को अंडरस्टैंड किया जाता है। हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं? हमें भी इनिशियल स्टेज पे फीवर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये जो इनिशियल हमें लगता है ना कि हमारा टाइम बर्बाद हुआ है, ये लॉन्ग टर्म में, यानी कि बुखार के बहुत लंबा होने को शॉर्ट कर देता है। क्योंकि बुखार का जब पैटर्न समझ में आ गया तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा और इससे इलाज में लगने वाला समय बहुत ही कम हो जाएगा।